और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है अमृतपाल। तो आज संडे है और निकले हैं व्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, संडे वाला दिन ही मिलता है खुद के काम के लिए। और मेरे साथ है मेरा भांजा मानिक। ठीक है, तो बस अभी हम चल रहे हैं इलांटे मॉल। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ बाहें कर सकते हैं अपने लिए। कुछ ज़रूरत का सामान है तो ले लेंगे भाई, वरना आपको पता ही है भाई यार, है ना, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज़ और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। बस कुछ ही हफ्तों बाद, कुछ ही दिनों बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएगी, बट आज थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है। ठीक है, तो गाइस अब चल रहे हैं इलांटे मॉल। ठीक है, बाइक हमने पार्क कर दिया और बस कुछ टॉयज भी देखने हैं, कुछ कपड़े भी देखने हैं, और भी देख लेंगे, और कुछ मिल गया तो ले लेंगे। तो गाइस देखो पहुंच गया, कितना ऑसम सा लग रहा है इलांटे मॉल। ठीक है, ये अपना नॉर्थ का सबसे बड़ा मॉल है और इंडिया का नाइन्थ लार्जेस्ट मॉल है, या बिगेस्ट मॉल बोलो एक ही बात है। तो गाइस इधर हम मॉल में आए हैं, जो हम बाय करने आए थे ना, यहाँ पे हॉट व्हील्स की गाड़ी वो तो मिली नहीं, बाकी इधर रिमोट वाली गाड़ी टेस्टिंग के लिए पहली बार चल पड़े हैं। गाइस हम इलांटे मॉल से आगे थे और यार कुछ बाय नहीं किया। एक्चुअली हम हॉट व्हील्स की कार बाय करने गए थे, बट वो थी नहीं वहाँ पे, अवेलेबल नहीं थी। कभी कभी एकदम से इतना स्टॉक आ जाता है, कभी कभी होता ही नहीं है। ठीक है, और आपको पता ही है मैं हॉट व्हील्स और मैच बॉक्स की कार्स कलेक्ट कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो वो मिली नहीं, और उसके बाद हम कपड़े लेने गए तो कपड़े कुछ खास वैरायटी थी नहीं। ऊपर से मेरे पास एक टोकन पड़ा है, वो मुझे यूज़ करना है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं एक मस्त सी जगह, आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले भी जा रखा हो, पहले भी ब्लॉग बनाया, बट फिर से जाके आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि संडे है, कुछ तो एंजॉय करना है ना, तो कुछ स्नैक्स ले लेंगे रास्ते में, बाकी आके देख लेंगे। तो गाइस ये आ गया अपना चंडी मंदिर टोल प्लाजा। ठीक है, अभी हम जाएंगे एक वाटरफॉल पे, आपको पता ही है कौन से वाटरफॉल पे जा रहे हैं हम। ठीक है, और एक रास्ते में एक फोर्ट आता है, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, जो कि चंडीगढ़ के बहुत पास पड़ते हैं। तो गाइस हम घूमने जा रहे हैं अपना बुर्ज कोटिया वाटरफॉल, और शायद उससे पहले जाएंगे बुर्ज फोर्ट, और उसके बाद भी देखेंगे अगर है ना टाइम मिला तो कोई और जगह भी जाएंगे। एक्चुअली क्या सीन है ना कि भाई एक संडे मिलता है जॉब के बाद घूमने को। ठीक है, तो बस आज जितना भी है ना भाई, थोड़ा रिलैक्स करना है, चिल करना है, घर में भी नहीं बैठा जाता यार, घर के भी इतने काम होते हैं ना, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते भाई, सीधी सी बात है। इंसान ख़त्म हो जाएगा बट काम कभी ख़त्म नहीं होएंगे। ठीक है, तो चल रहे हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फटाफट पहुँचते हैं। हमने भी स्नैक्स बाय कर लिए हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली है और अपना चिप्स ले लिए हैं, बाकी और भी कुछ देख लेंगे। ठीक है, और ये जो विलेज है ना, इसका नाम है बुर्ज, और आगे आएगा कोटिया, फिर उसके बाद आएगा बुर्ज कोटिया। ठीक है गाइस, तो रास्ते में बुर्ज फोर्ट भी आता है, काफ़ी पुराना फोर्ट और काफ़ी हाइट पे, वहाँ से आपको पूरा का पूरा पंचकूला दिख जाता है। पहले हम जाके आ रहे हैं बुर्ज फोर्ट, मैंने सोचा रास्ते में ही है तो चलो देख ही लेते हैं। ठीक है, अभी लास्ट टाइम कुछ महीने पहले आया था मैं, और मेरा भांजा तो फर्स्ट टाइम आ रहा है इस एरिया में, फर्स्ट टाइम ही आया ना यहाँ पे। ठीक है, तो चल रहे हैं और आपको वहाँ से व्यू दिखाएंगे, व्यू बड़ा ऑसम आता है वहाँ से। ठीक है, आपको व्यू दिखाएंगे वहाँ का और पूरा पंचकूला, इसकी हिस्ट्री भी है, अगर आप गूगल मैप्स पे जाओगे ना या आप सर्च भी करोगे, आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी यहाँ की। ठीक है, तो वो अपना राजीव महाराजा के टाइम का है, मैं तो कहता हूँ इस किले की फोर्ट की रेनोवेशन होनी चाहिए ताकि और भी अच्छा लगे ना, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो पहुंच गए हम बुर्ज फोर्ट। कैसी लगी जगह, यहाँ से व्यू देखियो। तो गाइस यहाँ से व्यू देखना, कितना ऑसम व्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मतलब ना पुराने ज़माने में ना जो राजा महाराजा थे तो उनकी जो सेना होती थी ना, वो यहाँ पर खड़े होकर निगरानी रखती थी कि दुश्मन तो नहीं आ रहा।
ये बहुत हाइट पे है ना, और उसके नीचे से ना टनल निकलती है एक, वो टनल ना कहीं दूर जाती है किसी दूसरे विलेज में। अच्छा। तो वहीं से आके देख के ना नीचे से नीचे चले जाते हैं। हाँ, यहाँ से पूरी निगरानी रखते थे पूरे इसकी शहर की। तो गाइज ऐसा कुछ व्यू है, और मैं यहाँ पर कई साल पहले ऐसा बंदर देखना। क्या था? बंदर था। बंदर है वो, थोड़ा बच के रहना। चलो आज जो भाई बंदर से वैसे डर लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम 2019 में आया था, ठीक है, और वो व्लॉग अपलोड किया था ना, तो उसके बाद बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया था। और क्या हुआ था ना कि भाई जो लोग सब्सक्राइबर मेरे यहाँ पर आ रहे थे ना, उनको यहाँ पर सांप मिला था। तो भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करता यहाँ पर आने ना, मतलब आप आओ आओ बट है ना अंदर ऐसी जगह पर जाओगे, अभी रेनोवेशन वगैरह भी नहीं हो रखी है ना, तो आपको पता है जंगल वगैरह वाला एरिया, सांप वगैरह या कुछ है ना कोई भी चीज़ हो सकती है, हानिकारक। तो अगर जाओ भी तो कहीं पर हमेशा शूज़ पहन के जाओ एकदम, है ना, तैयारी से जाओ अपना। और देखो काफ़ी शोर आ रहा है यहाँ पर, ट्रक्स चलते रहते हैं, है ना, यहाँ पर ना माइनिंग का काम होता है, और नदी है सामने, ठीक है, और अभी धुंध है, काफ़ी फॉग है, तो इतना बढ़िया व्यू नहीं आ रहा, वरना यहाँ पर व्यू बहुत ख़तरनाक आता है। गग्गर नदी, ठीक है, तो यहाँ पर गग्गर नदी है, तो अभी देखो झाड़ियाँ वगैरह उगी है ना यहाँ पे, तो इसलिए प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा, वरना जगह एकदम मौसम है ये। और ये रहा जस्ट हमारा बुर्ज फोर्ट। तो अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बस 2 किलोमीटर पर ही होएगा अपना बुर्ज कोटिया वाटरफॉल। और आज संडे है तो चांसेस काफ़ी है कि वहाँ पे क्राउड होएगी। एक्चुअली वो जगह अब काफ़ी फेमस हो चुकी है यार, ठीक है, जो यहाँ के लोग नियर बाय है, पंचकुला के लोग कह लो, चंडीगढ़ के लोग कह लो, तो एक स्पॉट मिल गया उन्हें कि हाँ भाई जहाँ पर बंदा चिल कर सकता है, बैठ सकता है, वाटरफॉल देख सकता है, या फिर उसमें नहा सकता है, ठीक है, वो मर्जी है। तो चलो चलते हैं आगे। पहुँचने वाले हैं हम अपना बुर्ज कोटिया वाटरफॉल, ठीक है, आप ब्लॉग में रास्ता देख ले ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आसानी हो यहाँ आने में। इस बार रास्ता काफ़ी ठीक मिला है हमें, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि रास्ता काफ़ी ख़राब मिला था, है ना, बारिश के टाइम पे तो पूछो मत, ठीक है, लद्दाख से कम नहीं होता ये, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभी, बट चलो जैसा भी अब ठीक है, मौसम बड़े तरीके से निकलेंगे फिर भी, हाँ थोड़ा ठीक है, इतना भी स्टिफ नहीं है। यहाँ पर ट्रक्स वगैरह ट्रैक्टर वगैरह अप डाउन बहुत करते हैं ना, तो करके रास्ता अपने आप बन जाता है। लो जी हम आ गए हैं ब्रिज कोटिया। तो गाइस हमें डॉगीज मिले थे, तो इनको बिस्किट डाल दिए। एक्चुअली अब बस एक ही पैकेट था यार, अब थोड़ा सा ऊपर राउंड लगेगा ना, तो मैं थोड़े से पैकेट और ले आऊँगा, है ना, इनको डाल ही देंगे। ऐसा कुछ व्यू है, ठीक है, काफ़ी ऑसम व्यू है, ठीक है, और काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पे, फैमिलीज आ रखी है, तो कितने पैर डॉगी। मैं फिर से ऊपर जाके ना इनके लिए बिस्किट लेके आऊँगा, यहाँ ऊपर जाके पास में शॉप है, ठीक है, तो डॉगी कितना प्यार है। और एक डॉगी तो बिल्कुल डोबरमैन की तरह है, जैसे डोबरमैन की ब्रीड होती है ना, कितना प्यारा है। तो चल रहे हैं आगे, ठीक है, अभी चिप्स लेके आ रखे, कोल्ड ड्रिंक लेके आ रखे, तो वो खाएंगे पियेंगे। तो यहाँ से कुछ रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता है, पर ये वाला नॉन स्टॉप है, तो यहीं से चल लेते हैं। तो गाइस मेरा भाई जब पत्थरबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, दोनों में तो सबसे बड़ा पत्थरबाज बनता है, ठीक है, जो पत्थरबाज अच्छा बनेगा ना, ठीक है, उसको अवार्ड देंगे और क्या देंगे, ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं, ठीक है, बचपन में बहुत दूर दूर तक पत्थर फेंकता था, ठीक है, बट चलो ये थोड़ा छोटा पत्थर है, नॉट अरे ठीक है, आप ये वाला देखना, ये गया सबसे दूर, जो ऐसे से पत्थर करना, ये बहुत दूर तक जाते हैं। ओए ठीक है, तो मानिक की बारी है,
क्या था भैया, पत्थर वापस ही आ गया। नहीं दूते फेंक के दिखा ना। हाँ ध्यान से रहा। क्या है भैया, क्या है, दूर तक फेंकना, पूरा जोर लगा दे। अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।